नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का क्रेन सिबायस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच महंगे सिक्के जिनके बदले में आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे महंगे सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन पांच महंगे सिक्कों की लिस्ट में जो नंबर वन पे आता है वो है विक्टोरिया शासन काल में जारी किया गया 1/4 रुपए का ये वाला सिक्का जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1880 में जारी किया गया ये सिक्का सिल्वर कॉइन है। विक्टोरिया शासनकाल का ये बहुत ही महंगा सिक्का है, सिल्वर कॉइन है 1880 का 1/4 रुपए। कोलकाता की मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था और इस सिक्के की वैल्यू आज के टाइम आपको 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक दिला सकती है। ये आपके सिक्कों की जो कंडीशन होती है ये मायने रखती है कीमत दिलाने में। अगर अच्छी कंडीशन का सिक्का होता तब आपको 50,000 और UNC एक्स्ट्रा फाइन यहाँ तो इन सिक्कों की कीमत 2,00,000 रुपए तक चली जाती है। बहुत ही महंगा सिक्का है। नंबर दो पे है 1915 में जारी किया गया जॉर्ज फाइव किंग इम्पीरियर वन आना जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक आना का ये सिक्का मुंबई की मिंट से देखने को मिलता है। 1915 का ये सिक्का इतना ज्यादा वैल्यूएशन दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक आना की वैल्यू 1,000 से लेकर 15,000 तक मिल सकते हैं। सोचने वाली बात है, एक आना कॉपर निकल धातु का सिक्का है, कोई सिल्वर कॉइन भी नहीं है, लेकिन ये सिक्का मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको डुप्लीकेट भी मिल सकता है तो अगर अच्छी जानकारी हो तभी इस सिक्के को निकाला जा सकता है। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे एक आना के सिक्के हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। ये जो आप भी स्क्रीन पे जो सिक्का देख रहे हैं विक्टोरिया इम्पीरियस का, ये कॉपर निकल धातु का ही जारी किया गया सिक्का है और ये 1/4 आना। इसमें आपको देखना 1888 ईयर इंडिया देवासी स्टेट। यहाँ पे ये चीज ज्यादा देखने वाली चीज होगी, देवासी स्टेट के आगे एक चीज और देखने को मिलती है SBJB, दो लिखा होता है अलग अलग, ये भी देखने वाली। और ये दोनों ही महंगे सिक्के होते हैं तो आपको इसमें देवासी स्टेट SB या JB दोनों कोई भी सिक्का होता है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महंगे सिक्के होते हैं। इन सिक्कों की मैं आपको कीमत बता देता हूँ एक बार। ये सिक्के आपको 2,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक दे सकते हैं। ये सिक्के अच्छी कंडीशन के होने जरूरी होते हैं, कॉपर निकल के सिक्के हैं, मतलब ज्यादा घिसे पिटे सिक्के हैं तो फिर उनकी वैल्यूएशन तो उसके हिसाब से ही होती है। ये जो मैंने आपको वैल्यूएशन दी है ये है फाइन एक्स्ट्रा फाइन UNC, मतलब इन तीन कंडीशन में ये जो मैंने कीमत बताई ये लागू होती है, मतलब 1500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक। मतलब फाइन कंडीशन का है तो हो सकता है आपको 1500-1600 2,000 रुपए तक मिल जाए, एक्स्ट्रा फाइन का है तो शायद 7-8,000 मिल जाए, ऐसे UNC कंडीशन का है तो 12,000 भी मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी मिल सकते हैं। ये देवासी स्टेट के SBJB दोनों ही सिक्के महंगे होते हैं। अब जो लास्ट सिक्का आप देख रहे हैं देशबंधु चित्रनदास लिखा हुआ, ये सिक्का भी बहुत महंगा सिक्का होता है लेकिन इसमें स्टार मिंट मार्क स्टार होना चाहिए। स्टार मिंट मार्क होता है 1998 के नीचे तो वो महंगा सिक्का होता है। देशबंधु चित्रनदास जी का ये सिक्का कॉपर निकल धातु से बनाया गया था लेकिन ये सिक्के बहुत कम मात्रा में मिंटेज होने की वजह से इन सिक्कों की वैल्यू उतनी ज़्यादा है जितनी आप सोच नहीं सकते हैं कि 2 रुपये के बदले में 10,000 से 25,000 रुपये तक दे सकते हैं सिक्के आपको। हमने जितने सिक्के आपको स्क्रीन पे दिखाए इनमें से कोई भी सिक्का अगर आप लोगों के पास है तो आप नीचे कॉमेंट कर लिख दीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे और आपका सिक्का सेल हो जाएगा। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।